अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उजी टेस्ट। आज जो मैं आपसे डिश शेयर कर रही हूँ, स्पेशल ढाबा चिकन हांडी विद ढाबा स्टाइल पालक आलू, मेरे अपने स्टाइल में। मैं आप लोगों के लिए 102 डिशेस अब बना रही हूँ। ये इंग्रेडिएंट्स हैं, 1/2 kg चिकन ली है, 4-5 टेबल स्पून सूखा धनिया जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1.5 टी स्पून चिल्ली फ्लेक्स, और ये मैंने पेस्ट बनाया है जिसमें धनिया, 1 हरी मिर्च और जीरा लेके मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, 1.5 टी स्पून सॉल्ट लिया है, 4 टोमेटो लिए जिनको बारीक मैंने चॉप किया है, और 2 लेमन, 3 ग्रीन चिलीज गार्निशिंग के लिए। अब 4-5 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ हांडी में। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो आप इसमें 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दें। इसको हल्का सा हिलाएं। जब ये थोड़ा सा हीट अप हो जाए और ये हल्का सा पिंकिश हो जाए तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। ये देखिए, मैं चिकन डाल रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और सिंपल सी डिश है ये। मैंने इसको हिलाया, थोड़ा सा मिक्स किया। अब इसमें ये जो मैंने मसाला बनाया था, हरी मिर्च, लहसुन और जीरे का जिसको मैंने ग्राइंड किया था, इसको 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून डाल लें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, एक देसी फ्लेवर आता है जो आपकी डिश को बहुत इन्हेंस करता है। अब आप इसमें सॉल्ट डाल दें, 1.5 टी स्पून सॉल्ट। आप अपनी टेस्ट से भी ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब इसको हिला लीजिए। जब तक डिश का चिकन का कलर पिंक ना हो जाए, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। ये देखिए, ऑयल ऊपर आ गया है और लहसुन और हमारा ग्रीन जो मिक्सचर है वो भुन गया है। अब मैं इसमें 1, 2, 3 and 4 भी आप डाल सकते हैं। साबुत धनिया कुटा हुआ, पिसा हुआ, ये आप डाल दीजिए और हिला दें। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कर सकते हैं। ये चिली फ्लेक्स मैंने 1 टेबल स्पून डाली है और थोड़ी सी ऊपर लिया, वन बिल्कुल थोड़ी सी। ये जी हिला लीजिए आप। जिनको ज्यादा स्पाइस का शौक है वो ज्यादा स्पाइस भी यूज कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें 4 चॉप टमाटो ले लिए। अब इसको मिक्स कर लें। ये बहुत मोटे मोटे और दरदरे मसाले की बड़ी देसी स्टाइल में चटपटी सी रेसिपी बनती है। अब हम इसको कवर कर देंगे। अब हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल पालक आलू। 1 बंच पालक को बॉईल कर लें। 1/2 किलो आप 1/2 kg आलू ले लीजिए, 2 अदद टमाटर ले लें, और साथ ही धनिया, सूखा धनिया, हरी मिर्च डाल के मैंने ये ग्राइंड किया है पेस्ट, ये भी आप इसमें डालिएगा। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टी स्पून जीरा, 1 टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया कुटा हुआ, 1 टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टी स्पून सॉल्ट, और गार्निशिंग के लिए आप ऊपर 1 जिंजर के स्लाइस ले लें, 3-4 हरी मिर्ची ले लें, 1 लेमन और धनिया। सबसे पहले हमने 4-5 टेबल स्पून ऑयल लिया
उसको हीट अप किया, उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाला। जब ये हल्का सा क्रैक्स करे तो इसमें आप 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दें। फिर इसमें 1.5 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट डाल दें जो मैंने धनिया बनाया था। अब इसको हिला लीजिए। इससे आपकी डिश में स्मेल बहुत अच्छी आएगी, बड़ी देसी देसी सी। टमाटर लिए हैं 2 अदद, इसको मिक्स कर रही हूँ मैं। फिर इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ ताकि हमारे जो टमाटर हैं ये सॉफ्ट हो जाएं। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल पालक आलू है भुना हुआ, और आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको कवर कर दें, कवर उतारा मैंने। ये देखिए आप, अब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छी तरह से चम्मच चलाइए। फिर इसमें आप 1/2 kg पोटैटो डाल दीजिए। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें, इसको भूनें। मैंने कोई इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाल रही। फिर जितने भी मसाले हैं स्पाइसेस वो सारे एक साथ आप इसमें डाल दें। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। मसाले डालने के बाद आप इसको भून लीजिए। ये देखिए कितना प्यारा कलर इसका आ रहा है, और आपके आलू भी क्रिस्पी रहेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि नरम हो जाए। इसको कवर कर दे। अब ये मैंने कवर उतारा है। ये देखिए हमारे आलू और ये मसाला बिल्कुल भुन गया है। अब हम इसके अंदर इस पॉइंट पे 1 bunch of पालक का है ये हम इस पर डालेंगे जो हमने बॉईल किया हुआ था। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखें पालक का कितना ग्रीन और फ्रेश कलर है। फिर इसी पालक का बहुत थोड़ा सा पानी जिसमें हमने इसको बॉईल किया था वो इस पे बिल्कुल हल्का सा डाल के दम दे दें। ये देख लें आप, बहुत थोड़ा सा, इतना कि ये सॉफ्ट हो जाए हल्के से आलू। अब इसको दम दे दें। ये देखिए, फिर उसके बाद हमने इसमें सूखा धनिया डाला कुटा हुआ ऊपर से, फिर हमने इसको कवर कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए हमारी पालक रेडी है, ऑयल ऊपर आ गया है, धनिया हरी मिर्चें और थोड़े से जिंजर हमने इस पर डाला है, और एक लेमन हमने इस पर निचोड़ दिया। ये बिल्कुल झटपट बनने वाली और बहुत टेस्टी पालक आलू की डिश है। ये देखिए हमारी डिश रेडी। ये देखिए हमारी चिकन हांडी, ये हमने इसका ढक्कन उठाया, इसका ऑयल निकल आया है। ये बहुत अच्छी तरह भुन चुकी है अपने टमाटर में, और अब इसमें हमने बिल्कुल कोई पानी नहीं डाला, और ये बहुत टेस्टी बनी है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। धनिया डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे और 1 नींबू का रस, और फिर इसको ढक देंगे। हमारी चिकन हांडी रेडी है, ढाबा स्टाइल चिकन हांडी बिल्कुल रेडी है। आप लोग मजे मजे से खाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। अगर आपको डिश अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, और कमेंट्स पे जरूर बताइएगा अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है। थैंक्स।